चलिए हमको ब्रेक्स लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और थ्रॉटल को हम लोग जीरो पे कर देते हैं। ये हो गया थ्रॉटल जीरो पे, और ये ब्रेक्स है इसको हम लोग थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, बस थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। और यहाँ से तुम नज़ारा देखिए यार, कितना मस्त नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। चलिए आप लोग ज़रा यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रेन कितना वक्त लेती है एक्सेलरेट करने में, और साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। ये देखिए ये जो है पूरे फॉर्म में आ चुकी है, और एनिमेटेड लोको पायलट है यार, ये अपने आईज को भी ब्लिंक कर रहा है, और ये देखिए नीचे में टाइम भी देख रहा है। और एक बार हम लोग हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो जल्दी से आप लोग कमर कस ले, क्योंकि आज हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी शुरू होने जा रहा है, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस EMU ट्रेन के साथ में बहुत ही धमाकेदार वाला एक्शन। तो आप लोग इस वीडियो के साथ में आज पूरा जरूर से बने रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है, एक रियलिस्टिक EMU ट्रेन जैसा जर्नी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ट्रेन का पेंटोग्राफ हमको ऊपर करने दीजिए। पहले मैं आपको ट्रेन के अंदर में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा ये ऊपर वाला पेंटोग्राफ का बटन है, तो अब जो है पेंटोग्राफ रेज होगा। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए पेंटोग्राफ रेज हो चुका है हमारा फाइनली, और अभी हम लोग स्टेशन से डिपार्ट करेंगे। तो चलिए फिर हॉर्न बजा के डिपार्ट करते हैं, पहले ब्रेक्स को रिलीज करके रखते हैं। और हमारा ब्रेक्स कौन सा है, आई थिंक ये वाला ब्रेक्स है हमारा। चलो ब्रेक्स तो पूरा रिलीज हमने कर दिया है, और अभी हॉर्न बजा के डिपार्ट करेंगे। अच्छा साइड से एक EMD के साथ में कोई एक्सप्रेस ट्रेन गई, मैं आपको दिखाना भूल गया, आपने शायद देखा होगा। चलिए अब हॉर्न बजा देते हैं। ये मेधा ट्रेन सेट है, मेधा ट्रेन सेट के द्वारा बनाया गया EMU लोकल है ये। मैं आपको इस साइड में लेके आता हूँ, यहाँ से हॉर्न बजा के हम लोग डिपार्ट करेंगे। हॉर्न का बटन कहाँ गया, ये रहा हॉर्न का लीवर। चलिए इसको बजा देते हैं। अभी हम लोग बेल बजाएंगे। चलिए बेल बज चुका है, और अभी हम लोग थ्रॉटल को प्रेस कर आगे बढ़ेंगे। थ्रॉटल हमारा कहाँ गया, ये रहा थ्रॉटल। मैं आपको थोड़ा सा सामने लेके चलता हूँ, और यहाँ से आप लोग देखेंगे थ्रॉटल। ये हमने थ्रॉटल को ओपन कर दिया, और अब धीरे धीरे हमारा जो ट्रेन है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो फाइनली हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं स्टेशन से। और हाँ गाइज, आज हम लोग जो सर्विस को चला रहे हैं वो है आपका दुर्गापुर से आसनसोल तक जाने वाली MEMU ट्रेन। तो अभी आप लोग पहले तो यार यही कहोगे कि भाई अगर MEMU ट्रेन है तो आप EMU ट्रेन क्यों ड्राइव कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है, इस गेम में कोई टेक्निकल एरर की वजह से मेमू ट्रेन सेट की जगह मेरे को EMU ट्रेन सेट को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यार आपने इस ट्रेन का गजब का एक्सेलरेशन देखा, अभी हमने बस थोड़ा सा ही थ्रॉटल लगाया है, और ये एकदम कितना जल्दी, बिल्कुल वैप 7 के जैसे इसने एक्सेलरेशन किया। तो यार इस चीज़ के लिए एक लाइक ठोकना तो आप सभी को बनता ही है। और आज आप लोग वीडियो के साथ में पूरा बने रहिए, क्योंकि आज आपको भरपूर जो आनंद है एक EMU ट्रेन का वो पूरा मिलने वाला है। मैं आपको हर कैमरा एंगल से मैं आपको आज व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो के साथ में पूरा ज़रूर से बने रहिए। और मैं F4 प्रेस कर लेता हूँ ताकि हमको ये पता चल जाए यहाँ का स्पीड लिमिट कितना है। तो यहाँ का स्पीड लिमिट 75 है। तो चलिए हमको ब्रेक्स लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और थ्रॉटल को हम लोग जीरो पे कर देते हैं। ये हो गया थ्रॉटल जीरो पे, और ये ब्रेक्स है इसको हम लोग थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, बस थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, बस इतना अप्लाई करके रखते हैं। 80 के अंदर में हम लोग आ जाते हैं, ये हम लोग 80 के अंदर में आ गए, और अभी थ्रॉटल को थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे। और यहाँ से तो नज़ारा देखिए यार, कितना मस्त नज़ारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। और ये देखिए ये विंडो है इस ट्रेन का, लोको पायलट भी मैं आपको दिखाऊंगा, रुके इस मॉडल में लोको पायलट को भी दिखाया गया है। बस थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन का यानी इस ट्रेन के मॉडल का पूरा जो है टूर मैं आपको आज दे दूंगा। और ये जो 3D मॉडल है ये तो BG प्रो के द्वारा बनाया गया है। BG प्रो कौन है ये तो यार आप सब लोग जानते ही होंगे। और एक बार हम लोग हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से। तो नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट से बताना, और साइड से क्या क्या क्रॉसिंग्स होगा वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो
अभी जो टाइम हो रहा है वो है 12:04, दोपहर के 12:04, और अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है अंडाल जंक्शन। अंडाल जंक्शन पे हमको ट्रेन को 12:05 में घुसाना था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं। उसके लिए यार आप लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट तक इस ट्रेन का जो हमारा लेट हुआ है उसको कवर अप करने की। तो यहाँ से 2.4 किलोमीटर दिखा रहा है अंडाल जंक्शन, चलिए फिर पहुँचते हम लोग अंडाल जंक्शन पे। चलिए मैं आपको बाहर में लेके चलता हूँ। ये अभी हम लोग आ गए बाहर में और आपको मोटर कोच का जो साउंड है वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। और अभी हम लोगों को धीरे धीरे ब्रेक्स को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग बस एंटर करने ही वाले हैं अंडाल जंक्शन पे, और अंडाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे शायद हमको दिया गया है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आ गए अभी हम लोग EMU ट्रेन के अंदर में। मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता रहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, और ट्रैक साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, मेरे को तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। और बस अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, तो चलिए फिर ब्रेक्स लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया ब्रेक्स, और इसका ब्रेक्स भी आप देखोगे यार कितना ज़्यादा पावरफुल है। आखिर ये मेधा ट्रेन सेट के द्वारा बनाया गया है, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और इस गेम में तो BG Pro के द्वारा बनाया गया है। तो BG Pro भी भैया बहुत ही क्वालिटी टाइप के एडवांस प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये हम लोग आ गए, हमारा जो हॉल्ट है वहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं अंडाल जंक्शन, और अभी हम लोग धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं अंडाल जंक्शन पे, और सामने जाकर हमको इस ट्रेन को रोक देना। मैं ब्रेक्स लगा देता हूँ यहीं से। तो वैसे हमारा जो ट्रेन है पूरा 12 कोच की ट्रेन है हमारी। चलिए इतना स्पीड पे भी रखते हैं ट्रेन को और सामने के साइड में चलते हैं और यहाँ पे रोक देते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अब यहाँ पे हम लोग ट्रेन को रुकवा देते हैं। भाई रुक जाओ जल्दी से, रेड सिग्नल के बिल्कुल पहले रोकना है। चलो तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है, और यहाँ पे जो वेटिंग टाइम हमको दिखा रहे हैं 30 सेकंड्स का। चलिए ब्रेक्स को रिलीज़ कर लेते हैं पहले, और ट्रेन से उतरकर आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। और F7 को मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि सामने से कौन सी ट्रेन आ रही है। फिलहाल तो कोई ट्रेन मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है, और हमारा भी यहाँ से डिपार्चर का वक्त बस होने ही वाला है। हम लोग हॉर्न बजा देते हैं चलो, और ये हमारे गार्ड जी ने बेल भी बजा दिया। तो चलिए अब हम लोग डिपार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए और अब आप लोगों को मैं इस ट्रेन का एक्सेलरेशन दिखाता हूँ स्टेशन से। आप लोग देख के यार हैरान हो जाएंगे कि भाई गेम में भी हमको आजकल ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। चलिए आप लोग ज़रा यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रेन कितना वक्त लेती है एक्सेलरेट करने में, और साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। ये देखिए ये जो है पूरे फॉर्म में आ चुकी है। चलिए अब हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं, और ये एक लेवल क्रॉसिंग पे भी हम लोग जा रहे हैं। सामने से अभी तक तो कोई क्रॉसिंग हुआ नहीं है, बस पहले मैंने आपको वो वाला क्रॉसिंग दिखा दिया था, और अभी भी जो है सिग्नल रेड होके रखा है, इसका मतलब अभी तो कोई ट्रेन देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो गाइस अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है रानीगंज स्टेशन, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और गाइस सामने का स्पीड लिमिट 80 का दिखा रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके रखे हैं स्पीड को। चलिए थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं स्पीड को, और ये वाला स्पीड मेरे को सही लग रहा है। हाँ बस ये वाला स्पीड सही लग रहा है, और इसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको चलो लोको पायलट को दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा लोको पायलट कैसा लग रहा है, देखिए, और एनिमेटेड लोको पायलट है यार, आप देख सकते हैं कि अपने आईज को भी ब्लिंक कर रहा है, और ये देखिए नीचे में टाइम भी देख रहा है। वाह यार इसका तो यार क्या कहना यार, ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये चीज़ तो बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया है हमारे BG Pro ने।
तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि ईएमयू लोकल ट्रेन दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में एक WDM-3D के साथ में, यानी दो WDM-3D है, ट्विंस WDM-3D के साथ में कुछ टैंकर वाली गुड्स ट्रेन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो गाइस बस अभी हम लोग रोकने वाले हैं हमारे ट्रेन को। चलो पूरा ट्रेन तो हमारा एंटर हो चुका है स्टेशन में, तो अभी हम लोग ट्रेन को यहाँ पे रुकवा देंगे। चलो फाइनली हमने यहाँ पे रुकवा दिया है हमारे ट्रेन को रानीगंज स्टेशन पे, और रानीगंज से भी बस डिपार्चर का वक्त होने वाला है। वैसे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वेटिंग टाइम दिखा रहा है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि रियल वर्ल्ड में जो लोकल ट्रेन है वो कितने देर तक रुकते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 30 सेकंड तक रुकते हैं लोकल ट्रेन को। तो हम लोग भी वही करेंगे, जैसे ही 30 सेकंड हो जाएगा हम लोग यहाँ से डिपार्ट करेंगे हॉर्न बजा के। चलो ब्रेक्स को रिलीज करके रखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा ब्रेक्स रिलीज, और अभी हम लोग जो है कैब के अंदर से मैं आपको आज डिपार्चर दिखाता हूँ। चलिए कैब व्यू से अभी मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। एक बार हॉर्न बजा देते हैं। चलिए गार्ड जी ने बेल बजा दिया है, अभी हम लोग हॉर्न बजा के यहाँ से आप डिपार्ट करेंगे। चलिए ये थ्रॉटल को अब आगे बढ़ाते हैं। ये हो रहा है हमारा डिपार्चर। फिर से आप लोग एक्सेलरेशन देख लीजिए इस ट्रेन का, इस लोको कैबिन के अंदर से। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी जो है ये स्पीड पकड़ती है, आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग लग रहा है। और राइट साइड में तो वो टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, बस कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और सामने हमको पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है काली पहाड़ी। तो काली पहाड़ी में पहुंचने के लिए हमको यहाँ से 4.7 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग काली पहाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एंटर करेंगे। और कैब व्यू का नज़ारा आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो गाइस आज का वीडियो में सिर्फ ईएमयू ट्रेन दिखाने के लिए मैं आपको आज ये वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से बताना ये वाला ईएमयू ट्रेन आपको कैसा लगा, और आज का जर्नी कैसा लग रहा है वो भी कमेंट्स में बता देना। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक मीटर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और यहाँ का लिमिट 105 का दिखा रहा है, लेकिन हमारा ईएमयू ट्रेन है तो मुझे जहाँ तक पता है ईएमयू ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो हम लोग बिल्कुल 100 किलोमीटर के अंदर में आ जाएंगे, 100 से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कुछ वायरिंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ सर्किट वगैरह हैं, वैसे मुझे तो खास इतना कुछ मालूम नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो वो कृपया मेरे को कमेंट से बताइए कि ये सब क्या है यहाँ पे। जो भी है बिल्कुल रियल लग रहा है, एकदम असली जैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पहला ऐसा MSTS में मॉडल है जिसमें एनिमेटेड लोको पायलट को लगाया गया है। तो यार ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यार ये वाला फीचर। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और सामने में वाइपर भी चलता है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ वाइपर का स्विच कहाँ गया। ये लेफ्ट साइड में है वाइपर का स्विच, ये देखिए वाइपर का स्विच ऑन करते ही वाइपर भी चलने लगा। चलिए बंद कर देते हैं। और हेडलाइट्स का स्विच भी यहाँ पे है जिससे कि हेडलाइट्स ऑन होते हैं। ये देखिए हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और पेंटोग्राफ का तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो वैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है 80 किलोमीटर का है, तो इसीलिए हम लोग 80 के अंदर में आने का कोशिश कर रहे हैं। और गाइस पिछले वीडियो के जैसे इस वीडियो में भी हमको कोई क्रॉसिंग देखने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिल रहा है यार। इस रेल इंडिया रूट में लगता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर से है, क्योंकि जब मैं टेस्ट करता हूँ किसी ऐप को तो वहाँ पे क्रॉसिंग मेरे को बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डर को ऑन करके इस गेम को चलाता हूँ इस रूट में, तब जो है मेरे को कोई भी क्रॉसिंग्स दिखाई नहीं देता है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है, लगता है कोई इस रूट का टेक्निकल एरर होगा, टेक्निकल फॉल्ट होगा इस रूट का यार। इससे थोड़ा सा मज़ा कम जाता है, आपको मैं कोई भी क्रॉसिंग्स दिखा नहीं पाता हूँ तो यार मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्रॉसिंग्स डालने के बावजूद भी कोई क्रॉसिंग्स देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं गार्ड जी हमको ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं, और एक फ्रेट ट्रेन है, BCNA वाली फ्रेट ट्रेन है ये। और हम लोग ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं गाइस। चलिए ब्रेक्स तो अप्लाई हो चुके हैं सामने, और अभी हम लोग धीरे धीरे जाकर हमारा ट्रेन को यहाँ पे रोक देंगे। पीछे एक बार देख लेते हैं, हाँ हमारा पूरा ट्रेन तो एंटर हो चुका है।
अब जो है हम लोग ट्रेन को यहाँ पे रुकवा देते हैं। चलो तो गाइस यहाँ पे हमने ट्रेन को रुकवा दिया है, यहाँ पे भी हमको 30 सेकंड्स का वेटिंग टाइम ही दिखा रहा है गाइस। तो बस कुछ देर में हम लोग यहाँ से डिपार्ट भी करेंगे। और ये स्टेशन काली पहाड़ी है, काली पहाड़ी में से अगर आप लोगों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और ये देखिए लेफ्ट साइड में मुगल सराय का वैग 7 लगा हुआ है, जो फ्रेट ट्रेन खड़ी है उसका ट्विन वैग 7 लगा हुआ है। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, मतलब हमारे ट्रेन के राइट साइड के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन के स्टैटिक कोचेस लगे हुए हैं, सिर्फ सिंपल स्टैटिक कोचेस यहाँ पे रखा गया है। चलिए अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं हॉर्न बजा के। चलिए गार्ड जी ने बेल बजा दिया है और अभी हम लोग हॉर्न बजा के डिपार्ट करते हैं। काली पहाड़ी से भी हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं और अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है आसनसोल जंक्शन। तो आसनसोल जंक्शन तक ही ये आज का हमारा जर्नी था, क्योंकि आज हम लोग जो सर्विस ड्राइव कर रहे हैं ये है दुर्गापुर से आसनसोल तक जाने वाली MEMU ट्रेन, दुर्गापुर टू आसनसोल मेमू। और ये हम लोग EMU ट्रेन के कोचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस गेम में कोई टेक्निकल एरर की वजह से हम लोग मेमू के ट्रेन के जो कोचेस हैं उसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो वैसे आप लोग बताओ यार कमेंट्स में ये कोचेस कैसा लगा आप सभी को। और एक और चीज़, इसमें WR लिखा हुआ है, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ER यानी ईस्टर्न रेलवेज में, लेकिन यहाँ पे WR लिखा हुआ है। तो यार इसका भी रीज़न वही है कि ER वाला जो कोच है वो अभी इस गेम में अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी ER यानी ईस्टर्न रेलवेज वाला लोकल ट्रेन के कोचेस अगर कभी अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने WR के जो कोचेस हैं इसको इस्तेमाल किया है। तो चलिए फिर अगला हमारा हॉल्ट तक पहुंचते हैं। तो काली पहाड़ी स्टेशन में हमारा पहुंचने का वक्त जो था वो था दोपहर के 12:13 पे, और हम लोग जो है 12:16 पे एंटर किए, यानी 3 मिनट डिले हमने किया है। चलिए देखते हैं आसनसोल जंक्शन पे हम लोग कब तक पहुंचा पाते हैं हमारे लोकल ट्रेन को। वहाँ पे पहुंचने का जो टाइम है वो 12:17 का है और अभी यहाँ पे 12:19 हो चुके हैं। तो यार हमारा जो अगला हॉल्ट है वहाँ पे भी हम लोग टाइम पे एंटर नहीं करवा पाएंगे ट्रेन को। अब देखते हैं गाइस, हम लोग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे, हम लोग 80 पे नहीं चलाएंगे, 100 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है ये ट्रेन के कोचेस मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ क्रॉसिंग रूट, एक मिनट रुकिए। तो ये कैसा लगा आप सभी को कमेंट से बताना। अब ट्रेन को पकड़ लेते हैं और राइट साइड में रेड कलर के वैग 9 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन खड़ी है, और उसके और अगर राइट में देखेंगे तो एक और कोल वाली फ्रेट ट्रेन खड़ी है, और सामने में एक MEMU ट्रेन मेरे को दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा। और सामने जो है वैग 9 के साथ में एक ICF ट्रेन भी दिखाई दे रही है राइट साइड में, ICF ट्रेन के साथ में एक वैग 9। और बस हम लोग यहाँ पे रोकने ही वाले हैं हमारे ट्रेन को। मैं ब्रेक्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ गाइस यहाँ से, और मैं आपको अंदर से नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है नज़ारा। ब्रेक्स तो हमने यहीं से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एक बार हॉर्न बजा देते हैं। और ऊपर में देखिए फैन दिखाई दे रहा है, लेकिन AC के वेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जहाँ तक मुझे पता था ये लोकल ट्रेन तो यार AC होते हैं ना, तो AC तो हमको कुछ दिखा नहीं। यहाँ पे फैन दिखाई दे रहा है। और इस ट्रेन का इंटीरियर कैसा लगा आप सभी को वो भी कमेंट से बता देना। और यहाँ से मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री देखिए कैसा लग रहा है स्टेशन में। धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं आसनसोल जंक्शन पे। और गाइस ब्रेक्स थोड़ा सा हमको लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ये वाला स्पीड सही है। और यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए नज़ारा कैसा लग रहा है।
तो ये मेधा वाला ट्रेन सेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट से मेरे को ज़रूर से बताना, और यहाँ तक का लोकल ट्रेन का जर्नी वो भी कैसा लगा आप सभी को, वो भी आप सब लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो है पूरा ट्रेन एंटर हो चुका है स्टेशन पर। एक बार पीछे देख लेते हैं, हाँ पूरा ट्रेन हमारा एंटर हो चुका है। तो चलिए अब रोक देते हैं ट्रेन को यहाँ। ये हमारा पूरा ट्रेन यहाँ पे रुक चुका है, और आज का जो जर्नी था हमारा यहीं तक था, और अभी कुछ देर बाद ये जो ट्रेन है एज अ डाउन सर्विस ये वापस से बैकवर्ड्स के साइड में जाएगी, जाकर दुर्गापुर स्टेशन तक जाएगी। हमारा तो ड्यूटी यहीं तक था। आप सभी को आज का ड्यूटी और एक्टिविटी कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और ये लोको पायलट का जो एनिमेशन है ना, ये मेरे को काफ़ी गजब का लगा। ये लोको पायलट जो है ये देखिए, अभी घड़ी देख रहे हैं, आपने नोटिस किया क्या? और अभी राइट साइड में देख रहे हैं लोको पायलट। हाँ ये तो हमको पता है, एक्टिविटी इज एंडेड। वाह यार, ये लोको पायलट का एनिमेशन मेरे को काफ़ी गजब का लगा यार, बहुत ही अच्छा लगा लोको पायलट का एनिमेशन। तो ठीक है गाइस, अभी आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आज का जो जर्नी है वो आप सभी को कैसा लगा, ये मॉडल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाइएगा, और अगर आप पहली बार एंट्री मारे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करके जाना, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायनारा और बाय।